आज मुरुड़ में वडाला में सब जगह मनाते हैं। देख रहे हैं कि यह इतना बढ़िया फेस्टिवल मनाते हैं कि अपने मुंह के अंदर एक गाल से दूसरे गाल में 8 से 10 फुट का सलिया निकाल के और नाचते हैं कूदते हैं। और हमने देखा है कि जब यह मुंह से में सलिया लगा रहे तो सिर्फ भभूति जो विभूति भभूति बोला जाता है राग बोला जाता है भगवान का उसे लगा घुसाते हैं और उस सलिए में दोनों बाजू से नींबू डालते हैं और उस सलियों को लेकर चलते हैं। ये देख रहे हैं कि इतना इसमें शक्ति है जो ये भगवान है तमिलनाडु के जो ये भगवान है। और ये बांगुनी उत्तिमा फेस्टिवल जो है ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है दोस्तों। देखो कि इसमें हजारों पब्लिक है और बच्चे हैं बूढ़े हैं जवान हैं महिलाएं हैं लेडीज हैं सब लोग ये फेस्टिवल को मना रहे हैं और बहुत धूमधाम से दोस्तों। यह आज होली का दिन है सोमवार 25 तारीख है और आज के दिन देखिए कितना ही भव महोत्सव चालू है दोस्तों। इस फेस्टिवल में देख रहे हैं कि बहुत अद्भुत बातें हैं जो भी इंसान देखेगा अचंभा हो जाएगा क्योंकि देख रहे हैं कि मुँह में आर पार 10 फुट का सलिया लेकर लेडीज हो जेंट्स हो चल रहे हैं। ये सब भगवान का देन है। हम कहते हैं भाई भगवान नहीं लेकिन भगवान कहीं ना कहीं है। देख रहे हैं कि यह कितना बड़ा फेस्टिवल है और आज होली के दिन सब 4 बजे दुकानें बंद है और यह जो पांगुनी उथिरम फेस्टिवल है यह तमिलनाडु का है बहुत जगह जगह मनाया जाता है दोस्तों। और देख रहे हैं कि मुरुड़ में थाना से कल्याण से विरार से बसई से बिले पार्ले से भाईंदर से मेरे बहुत जगह से जो तमिलनाडु के लोग होते हैं वो आते हैं और इस फेस्टिवल में भाग लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यह मुँह से आर पार है और चल रहे हैं लग ही नहीं रहा है कि इनको कुछ फर्क पड़ता है। 10-10 फुट 15-15 फुट का सलिया जो है आर पार होकर चल रहा है। ये देख रहे हैं कितना भयानक दृश्य है दोस्तों। हमने तो आँखों से देखा है दोस्तों बहुत लोग तो देख भी नहीं पाएंगे। और यह फेस्टिवल देखिए ये लेडीज को देखिए ये 10 फुट का 8 फुट का सलिया जो है आर पार होके बिंदा चल रही कोई दर्द नहीं कोई सिर्फ भगवान का दिन है। और ये क्या है सिर्फ मुंह में राख लगा के होल किया गया है और आर पार कोई हमारे आंखों से देखी हुई है दोस्तों। आज 9 बजे जुलूस निकला दोस्त और 1 बजे बंद हुआ। ये 4 से 5 घंटा ये रोड पे जमावट हजारों लोग ही चलते रहा घूमते रहे लोग दर्शन करते रहे लोग पैर पड़ते रहे भगवान के। देखिए सर देखिए आप अपने हम से देखिए जबरदस्ती चल रहा है फेस्टिवल। और यह पांगुनी उत्तिरम फेस्टिवल है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। हम भी सुने थे देखे नहीं थे इतना और आज देख कर अचंभा हो गए हैं दोस्तों। अगर आप भी किसी भी देश के कोने से हैं तो देख लीजिए यह पांगुनी उत्तिरम फेस्टिवल जो तमिलनाडु का है। और यह देखने के बाद आप विश्वास कर लीजिए कि यह हकीकत है क्योंकि हमने देखा है। देखिए किरान है और किरान के अंदर देखिए एक बंदा लटका हुआ है अगल बगल से रस्सी बना है लेकिन उसकी पीठ पर लोहे की अकुशी है और उस अकुशी से टांगा गया है। अगर अकुशी गिर गया तो आदमी खत्म। देख रहे किरान है और किरान के बीच में उस बंदे को एक रस्सी के सहारे से खाली बस रस्सी को पकड़ा है लेकिन उसकी पीठ पर देखिए बड़े बड़े लोहे से हुक लगाया हुआ है उस पर लटका हुआ है। ये देखिए किरान देख लीजिए दोस्तों किरान है कितना भारी किरान है कितना बड़ा है कितना कम 30 फुट ऊपर है। और हमने ये वीडियो निकालने के लिए बहुत कैसे कोशिश किया कैसे निकाला दोस्तों। ये हजारों की भीड़ में घुस कर मैंने वीडियो निकाला कि मैं ये वीडियो आप तक पहुँचा चुका। अगर आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। देखिए ये देखिए उनका भगवान है और यह भगवान को भी देखिए जो बंदे खींच रहे हैं ना रथ यात्रा उनके मुंह में आर पार लोहा का सलिया है देख सकते हैं आप। देखिए अजीब है दोस्तों ये देखने के बाद तो अजीब लगता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या। यह अचंभा है आश्चर्यजनक है। हम ये सोच के
बहुत वो हो गया कि भाई ऐसे भी होता है क्या। अगर इंसान नहीं देखे तो सोचते रह जाएगा कैसे क्या हो गया है, लेकिन देखिए कि कोई ना ब्लड ज़्यादा गिर रहा है ना कुछ गिर रहा है, राख लगा दे रहे हैं ठीक हो जा रहा है। और ये राख के वजह से चल रहा है ऐसा सब, हम बार बार देख रहे हैं कि भूख लगा देते पीठ पे और किरण में टांग दे रहे हैं। बताइए कितना बढ़िया प्रोग्राम से देखिए, ये देखिए ये देखिए किरण है और एक नहीं दो दो आदमी टंगा हुआ देख सकते हैं आप, दो दो आदमी देखिए देखिए उसकी पीठ में कैसा लगा हुआ है, ये देखिए कैसे अभी एक मुँह में सलिया डाला गया है और अभी एक नारियल फोड़ देंगे या तो नींबू फोड़ देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए ये देखिए ये देखिए लोग बढ़ रहे हैं, देखिए देखिए कितना भयानक दृश्य है। और यह हम सब लोग देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी देखिए और हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और यह प्रोग्राम जो यह बांगुनी त्रम फेस्टिवल है तमिलनाडु का, ये सबको पता चले इसलिए यह वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, भूलिएगा नहीं। यह आज वीडियो बनाने मुझे 4 से 6 घंटा लग चुका है, लेकिन जब आप लोगों की कमेंट आएगी शेयर आएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा 4 से 6 घंटे में जो वीडियो मैंने बनाया है थोड़ा थोड़ा करके वह आप लोग को अच्छा लगा। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही भयानक दर्दनाक यह सीन है और सब जगह से देखिए कि मैं कहाँ कहाँ से मैं वीडियो को ले पाया दोस्तों, क्योंकि हजारों की भीड़ है दोस्तों, देख सकते हैं आप भी देखिए देखिए कैसे लोग मोर के पंख खोल में बनाए हुए हैं, मुँह में हर बार उनके सलिया है और हाथ के सहारे से चल रहे हैं, देख सकते हैं दोस्तों। वहाँ ढोल नारा का बेंजो बज रहा है और ये अपना आगे चल रहा है। देखिए दोस्त देखिए मैं जितना अच्छे से वीडियो ले पाया उतना मैं लेने की कोशिश किया हूँ और ये सब वीडियो आप लोग के लिए दोस्तों की आप लोग देखिए समझिए और कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों ये 15 फुट का 10 फुट का सलिया जो है मुँह से हर बार है, लोग सुनेगा कोई तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये आंखों देखिए हाल है, ये देखिए ये देखिए जबरदस्त, ये इतना भयानक, देखिए ये देखिए छोटे छोटे बच्चे महिलाएं लेडीज जेंट्स सब लोग एक लीन एकदम, ये देखिए दोस्तों बहुत ही जबरदस्त हजारों की भीड़ में आज वीडियो लेकर आप लोग के तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों कि तमिलनाडु में जो बांगुनी उत्सव फेस्टिवल होता है वो कैसा होता है, पूजा होता है देखिए कितना बढ़िया पूजा हो रहा है, मस्त बांगुनी उत्तिरम फेस्टिवल 2024 सोमवार होली के दिन बड़ा सा देखिए किरण बड़ा सा किरण है, इसमें देखिए दो दो आदमी लटके हुए हैं, इनकी पीठ पर देखिए लोहे के कुर्सी से उनको टांगा हुआ है, ये देखिए बहुत दर्दनाक सीन है दोस्तों। आप देख सकते हैं अपने दोस्तों को अपने कह सकते दिखा सकते कि ऐसा भी पूजा होता है, देखिए कैसे किरण से लटके हुए हैं, इनको बस एक रस्सी दिया गया पकड़ने के लिए, बाकी पीठ पर लोहे का हुक से इनको लटकाया गया है। देखिए हमने बगल से घुमाकर बहुत सारे वीडियो लिए कि आप लोगों को सच्चाई लग सकती है, पूरा किरण दिख रहा है सर, ये 30 फुट का किरण है, उसको बीच में लटके हुए हैं, एक नहीं दो दो आदमी देख सकते हैं आप, देखिए कितना बढ़िया दर्दनाक यह सीन है। देख सकते हैं कि उस बंदे को कोई अता पता नहीं है कहाँ है कैसे है, लेकिन उसकी पीठ में लोहे का उसी से फंसा कर उसको टांगा गया है किरण पर। देखिए एक अगर कांटे लग जाए कील लग जाए तो हम लोग डॉक्टर पर टेस्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, कितना दर्द होता है, लेकिन देखिए लोहे के जंजीर लोहे की अपुसी में ट्यूब बनाकर उसको छेदा हुआ है, देखिए और मुंह में भी उन लोगों के सलिया है, देख सकते हैं कितना दर्दनाक घटना है, ये सिर्फ भगवान का देन है, भगवान का आशीर्वाद है कि लोग चल रहा है, देखिए कितना भयानक है बाबा रे बाबा, मैं तो देख कर दंग हो गया, मैं क्या पूरा पब्लिक इतना पब्लिक था हजारों पब्लिक में मैंने वीडियो ये निकाला।
कुमार होली के दिन बड़ा सा दोस्त देख सकते हैं। ये देखिए, ये भी किरान है और झूले में देखिए लटका हुआ, देखिए पीठ में, देखिए इसके पीठ के लुपन का लोहे का आपसी है, एक रस्से पकड़ा हुआ बंदा, लेकिन लोहे का आपसी में देखिए तो लटका हुआ। देखिए कितना मैं नज़दीक से वीडियो लिया हूँ, अब देखिए दोस्तों इस वीडियो को लेने में बहुत 6 घंटे लगा दिए। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कि मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो बना सकूँ। देखिए दोस्त कितना बढ़िया सीन दर्दनाक सीन है यार, दर्दनाक सीन। देखिए रस्सी पकड़ा हुआ है, लेकिन उनकी पीठ में 3-3, 4-4 लोहे का शिकंजा लगा हुआ है कि उसके सहारे है, लेकिन नीचे भी कुछ नहीं है।